जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कैलकुलेटर से भी तेज भाग देना सिखाऊंगा। जी हाँ, इसमें हम कुछ ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन है। जैसे हम किसी परीक्षा में हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार की परीक्षा में बैठे हैं और हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है मान लिया जाए आप इस प्रकार के कुछ गणित देखते हैं और इनको भाग देना हो मान लिया जाए 5 से, है ना, तो हम इसको फिर भाग देने लग जाते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास कुछ भी गणित है, याद रखिएगा मैं यहाँ पे कुछ भी प्रश्न लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी संख्या ले लीजिएगा और इसको मुझे भाग देना है मान लिया जाए 25 से, तो क्या करेंगे, इसको हम भाग देने लग जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, इसका बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए इनको हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 से गुना करना है। देखिए, देखते रहिए आप लोग, देखिए 2 एकम 2 दुनी 4 4 दुनी 8 2 5 10 का शून्य हासिल 1 3 दुनी 6 6 1 7 और यहां पर देखिए 2 दुनी 4, क्योंकि इनको भाग हमें कितना से देना था 5 से, हमने गुना कितना कर दिया 2 से। दोस्तों यहां पर एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। जी हाँ, हो गया आपका आंसर, आप इसको मिला सकते हैं। ये जो है आंसर है, इनको हमें अगर 5 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से इतना आंसर आता है। आप कैलकुलेटर करके भाग दे सकते हैं। ये देखिए, इनको हमें भाग देना है, कितने से भाग देना है 25 से। तो हम परीक्षा हाल में अगर भाग देते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन यदि इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको मुझे 25 से भाग देना है, मैं क्या करूंगा, इसको 25 से भाग नहीं दूंगा, मैं एक ट्रिक का उपयोग करूंगा, मैं इसको 4 से गुना कर दूंगा। कैसे करूंगा, देखिए 4 दुनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है, और फिर 4 है 4 चौ 16 का 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 20 और 1 21 हासिल कितना आ गया 2, फिर कितना करेंगे 6 चौ 24 25 और 26 26 का 6 हासिल, फिर कितना आएगा, फिर 2 आएगा और 4 दुनी 8 और 8 और 2 10। दोस्तों ये जो है हमको भाग देने हैं 25 से, हमने गुना कर दिया 4 से, लेकिन आपको क्या करना होगा, यहां पर 2 अंकों के बाद, देखिए 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, बस हो गया आपका आंसर, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको कैलकुलेटर से भाग देकर देख सकते हैं, जब हम इनको क्या करेंगे 25 से भाग देंगे तो आंसर इतना ही आएगा, 100% राइट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे प्रश्न देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ भी प्रश्न है, जैसे 6 4 5 7 2 1 3 और इसको हमें भाग देना है 50 से। ध्यान दीजिए, मैं अलग अलग बता रहा हूं, और याद रखिए मैं केवल भाग देना नहीं सिखा रहा हूं, मैं इसका आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसा क्यों हो जाता है, है ना, आप केवल ट्रिक को मत याद रखिए, मैं जो बताऊंगा उनको सीखिए, ध्यान से सुनिए, आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत काम का चीज है, इसको पूरा देख लीजिए। इसको मुझे क्या करना है, 50 से भाग देना है, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गया, अब 50 से भाग देंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा 2 से गुना कर दीजिए, सिंपल सा है, देखो 3 दुनी 6 2 एकम 2 2 दुनी 4 और 7 दुनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दुनी 10 और 10 और 1 11, फिर 4 दुनी 8 8 और 1 9, ठीक है, और यहां पर कितना जाएगा 6 दुनी 12 12 ही आएगा। ये देखिए, ये आपका आंसर होने वाला है, हाँ बनने वाला है। ये देखिए यहां पर कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट हैं उतने अंकों के बाद यहां पर क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर हो गया है। आप कैलकुलेटर में भाग देकर देख सकते हैं, ये 100% आपका आंसर है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अभी और ध्यान दीजिए, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरा ट्रिक बाकी है। ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, मैं एक और संख्या बता रहा हूं, इनको आप लोग देखिए, आप इनको कैलकुलेटर से भाग देकर देखिए, आपका 100% सही आंसर आएगा। और देखिए, मैंने किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी संख्या भी है, यहां पर मैं मिटाता नहीं हूं, यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए हमारे पास 2 4 6 5 7 2 1 है, अब इसको हमें भाग देना है 125 से। देखो कितना बड़ा संख्या मैं ले रहा हूं, 125 से भाग देना है। मान लीजिए परीक्षा हाल में इस प्रकार के आपके कंपटीशन एग्जाम में आ गया, तब तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे, है ना, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको कोई भी प्रश्न को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे प्रश्न बनेंगे और वो भी सरलता से बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए अगर मुझे किसी संख्या को 125 से भाग देना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं एक ट्रिक अपनाऊंगा, क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको मैं 8 से गुना कर दूं, ध्यान दीजिएगा 8 से गुना कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखते रहो आप, यहां पर 8 एकम 8
आठ दो 16 का 6 हासिल 1 है ना, 8 सत्तर 56, 56 और 1 57 का 7 हासिल कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर 8 पंचे 40, 40 और 5 45, 45 का 5 हासिल कितना आ गया 4, फिर कितना आ जाएगा 8 6 का 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 52 हासिल कितना 2, फिर कितना आ जाएगा 4 8 32, 32 और 5 37 का 7 हासिल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 8 2 16 और 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया। अब क्या करना है, आपने कितने अंकों वाले संख्या से आपको भाग देना था एक्चुअल में 125, तो इसमें कितने डिजिट है जी 1, 2 और 3, तो आप 1, 2 और 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर परफेक्ट है। आप कैलकुलेटर से भाग दीजिए और मुझे बताइए ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, क्योंकि मैं बेसिक चीजें सिखाता हूं, आप मेरे चैनल में जो भी वीडियो देखते हैं, ट्रिक वाला वीडियो देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसमें आपको बेसिक बताया जाता है। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी अटेंड करते हैं मेरे क्लास का, तो मैं उनमें बेसिक चीजें बताता हूं कि कोई चीज कैसे होता है। केवल पढ़ाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम होता है सिखाने का, और यही काम मैं अपने चैनल के माध्यम से करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं, जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए, ये होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैंने इनको मिटाया नहीं, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के आप बहुत सारे और प्रश्न बना सकते हैं, मैंने केवल एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। अब देखिए, इसको मैं आपको कलर पेन पे समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये देखिए, मैंने इनको 2 से गुना किया, मुझे भाग देना था किन से 5 से, लेकिन मैंने क्या किया, 2 से गुना कर दिया और एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो ऐसा ट्रिक मैंने क्यों लगाया, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भी संख्या को हम उसी संख्या से गुना और भाग करें, ये देखिए, गुना और भाग करें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नीचे का गुना आप नीचे से करो ना जी, देखो ऊपर का गुना आपने ऊपर से किया और नीचे का गुना नीचे से करो, तो 5 दुनी कितना होता है 10। और किसी भी संख्या को 10 से भाग देना आसान है, जितना जीरो होता है उतने अंकों के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताता होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार देखिए, आपको किसी संख्या से भाग देना है ना, 25 से भाग देना है, तो मैंने क्या किया था, 4 से गुना बस किया था, आपको ट्रिक नहीं बताया था। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और ये ट्रिक आप जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि आप जानते हो कि 25 को किससे गुना करते हैं तो सब आता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे जो नीचे में जो संख्या है भाग देने वाला, वो 5, 50, 25 या 125 नहीं होना चाहिए। नीचे में या तो 10 आ जाए, 100 आ जाए या फिर 1000 आ जाए, ताकि भाग देने में कोई परेशानी ना हो। अब देखो, यहां पर जैसे 25 है, तो मैंने क्या किया, मैं जानता हूं कि 25 चौक 100 होता है, तो मैंने 4 से गुना किया और नीचे मैंने 4 नहीं लिखा था। लेकिन 4 से गुना और भाग करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और हमें क्या करना है, ऊपर वाले भाग बस को करना है गुना। और चूंकि हम जानते हैं 25 चौक कितना होता है 100 होता है, और 100 होता है तो इसमें कितने जीरो हैं जी 1 और 2। किसी भी संख्या को 100 से भाग देना कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जितना जीरो है गिनो उतने अंक के बाद दशमलव लगा। तो मैंने क्या किया था, 2 अंकों के बाद तो जीरो लगाया था। अब चूंकि यहां पर आपको संख्या गिनना है, तो यहीं से संख्या गिन लिया करो, और आपको दिमाग में रखना है, अरे हाँ 25 चौक 100 होता है। उसी प्रकार इसमें देखो, मैंने यहां पर क्या किया था, केवल 2 से गुना किया था, लेकिन मैं जानता हूं कि 50 को कितने से गुना करते हैं तो 100 आता है। अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो कितना आता है, 100 आता है। अब 100 आता है मतलब जिसको आपने ऊपर में ऊपर का को गुना कर दो और नीचे का, तो ये 100 बना देता है इनके साथ, तो आप 1 और 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद क्या कर दो, दशमलव, या फिर यहां पर जितने डिजिट है उनके बाद दशमलव लगाओ, या फिर यहां पर जो 100 आता है या 10 आता है या 1000 आता है उसमें कितने जीरो है वो लगा दो। अब यहां पर देख सकते हो, मैंने 125 से इनको भाग दिया था, तो क्या मैंने भाग दिया था, क्या मैंने कैलकुलेटर का उपयोग किया आपके सामने, नहीं किया। निश्चित है कि मैंने कोई ना कोई ट्रिक का उपयोग किया। अब वो ट्रिक का उपयोग मैंने केवल किया था, मैंने 8 से गुना बस किया था, क्या मैंने भाग दिया था, क्या 125 से भाग दिया था, नहीं दिया था। लेकिन फिर भी हमारा आंसर एकदम परफेक्ट क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं 25 को 8 से गुना करूं तो 8 पंचे 40, और देखो 8 दूनी 16, 16 4 20, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, और हासिल दो करके कितना आ गया 10। ये कितना आता है, 1000 आता है, और 1000 में कितने जीरो है जी 1 2 3,
तो हमें क्या करना था, एक दो तीन अंकों के बाद दशमलव लगाना था। अब ये सारे आंसर हो गए, हालांकि मैंने एक उदाहरण बताए हैं सभी प्रकार के, निश्चित रूप से आप ये ट्रिक सीख गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और अच्छा लगा और आप ट्रिक को सीख गए हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसी ट्रिक के माध्यम से मैं यहां पर आपको चार प्रश्न दे रहा हूं, उन चार प्रश्नों के आप उत्तर बताइएगा, भाग मत दीजिएगा, उस ट्रिक का प्रयोग करिए और तुरंत उत्तर बताइए। कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है, भाग नहीं देना है और आपको आंसर देना है। यहां पर मैं कुछ प्रश्न लिख देता हूं, ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे 2 4 6 7 5 2 को भाग देना है 5 से, दूसरा 4 1 4 1 5 3, ठीक है, इनको भाग देना है आपको 50 से भाग देना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको 2 4 6 5 7 9 1 इनको आपको भाग देना है, कि कौन सा बच गया है आपको 25 से भाग देना है, या फिर 4 है चौथा प्रश्न है, मतलब 1 4 3 7 2 9 1 ऐसा कुछ प्रश्न है, इनको आपको भाग देना है 125 से। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके पास ये जो चार प्रश्न है वो ही काफी है इस ट्रिक को समझने के लिए। मैंने कोई बहुत सारा आपको एग्जाम्पल नहीं समझाया, केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल समझाया, और वो एक एग्जाम्पल जो है सारे एग्जाम्पल पर भारी है, क्योंकि यदि आपको समझ आ गया है, और मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको 100% समझ आया होगा। अब आपको किसी प्रकार के इस प्रकार के संख्याओं से भाग देने में कोई परेशानी नहीं होगी, और आप इस प्रकार के प्रश्नों को अपने दोस्तों को जरूर सिखाइए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे तो उनको सिखाइए। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया और अच्छा लगा, खास करके समझ आ गया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इन प्रश्नों के उत्तर तो खास कर मुझे कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाते रहता हूं जो बहुत ही बेहतरीन होता है, और गणित के मैजिक ट्रिक भी मैं बताता हूं ताकि बच्चे जो है गणित को बहुत ही सरल तरीके से पढ़े और उसमें इंजॉय करें। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।